नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है, रोज की तरह सबसे पहले आपको यही बताता हूं कि आज कौन कौन सी क्लास लगेगी, किस किस की क्लास लगेगी। नीतीश ने पैर छू लिए, मोदी ने इंडी गठबंधन को कैसे भिगो भिगो के आज धोया है, आज उसके बारे में आपको दिखाऊंगा। एनडीए की बैठक की वो तस्वीरें जो राहुल गांधी का सपना तोड़ देंगी, मोदी योगी की वो तस्वीर आ गई जो यूपी में पूरा माहौल सेट कर देगी, वो तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा। नरेंद्र मोदी ने आज सिर झुकाया, कांग्रेस का झूठ खुद कैसे निकलकर सामने आया ये भी दिखाऊंगा। इसके अलावा बात होगी अयोध्या की, जिसकी देश भर में चर्चा है। मोदी को वोट ना करके अयोध्या की जनता अब आंसू बहा रही है क्या? अयोध्या में कौन बोल रहा है कि मोदी को वोट ना करके बड़ी गलती कर दी बॉस? अयोध्या में बीजेपी की हार पर वो रिपोर्ट जो पूरी तस्वीर साफ कर देगी। इसके अलावा इस चुनाव में बहुत अजीबोगरीब चीजें हुई हैं। 5 डॉन की पत्नियों का चुनावी रिपोर्ट कार्ड दिखाऊंगा, जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। चुनाव के लिए 16 साल छोटी लड़की से शादी करके भी कैसे डॉन हार गया ये भी दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिविजन, उसके बाद पहला चैप्टर। आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में विभव कुमार की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। आज 30,000 कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी विभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी। विभव कुमार पर 13 मई को मुख्यमंत्री आवास में स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट का आरोप है, जिसके बाद कोर्ट ने विभव कुमार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। चुनाव नतीजे घोषित होने के बाद पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में हिंसा की खबर सामने आई। बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि टीएमसी के करीब 200 कार्यकर्ताओं ने अचानक हमला कर दिया और कई घरों में तोड़फोड़ की। तूफानगंज इलाके में हुई हिंसा की खबर के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची। आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के सामने भी तोड़फोड़ जारी रखी। संसद की सुरक्षा में सेंधमारी की कोशिश को आज सुरक्षा बलों की मुस्तैदी ने नाकाम कर दिया। फर्जी आधार कार्ड की मदद से संसद भवन परिसर में घुसने की कोशिश कर रहे 3 आरोपियों को सीआईएसएफ ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि ये तीनों लोगों को एक कंपनी ने संसद भवन परिसर में चल रहे निर्माण के काम के लिए रखा था। आगे की जांच के लिए तीनों आरोपियों को संसद मार्ग पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया है। पंजाब पुलिस ने कंगना रनौत के साथ हुए थप्पड़ कांड की जांच शुरू कर दी है। पंजाब पुलिस के मुताबिक कंगना रनौत ने अभी तक इस मामले में शिकायत नहीं दी है, लेकिन सीआईएसएफ की तरफ से मिली शिकायत पर जांच की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अब यह मामला और बढ़ सकता है, क्योंकि किसान संगठन सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल के समर्थन में उतर आए। नीट घोटाले को लेकर जयपुर में आज कांग्रेस की स्टूडेंट विंग एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने परीक्षा में धांधली के आरोपों की जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने नीट में धांधली का आरोप लगाया और पर्दाफाश करने के लिए टाइम्स नाउ ने भारत की तारीफ। ये हो गया दिनभर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। नीतीश ने पैर छुए, मोदी ने इंडी गठबंधन को कैसे भिगो भिगो के धोया है, एनडीए की बैठक की वो तस्वीरें जो राहुल गांधी का सपना तोड़ देंगी, मोदी योगी की वो तस्वीर आ गई जो यूपी में पूरा माहौल सेट कर देगी, और नरेंद्र मोदी ने आज सिर झुकाया, कांग्रेस का झूठ कैसे खुद निकलकर सामने आया, सबसे पहले इसका चल। आज कुछ लोगों के दिल बहुत जल रहे होंगे। ये लोग ख्याली पुलाव पका रहे थे। इन्हें लगता था कि एनडीए के अंदर तो मार मचेगी, नायडू और नीतीश कुमार कुछ खेला कर देंगे और नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम नहीं बन पाएंगे। आपको याद होगा राहुल गांधी चुनाव के वक्त भी कहते थे, लिख के रख लो मोदी इस बार पीएम नहीं बनेंगे। पता नहीं लिख के कहां रखे हैं, अब मिल ही नहीं रहा क्योंकि मोदी तो पीएम बन रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने ऐसे लोगों के अरमान पहले भी ध्वस्त किए और आज भी उन्होंने यही किया है। वो पूरी ठसक के साथ नई सरकार बनाने जा रहे हैं। रविवार को संडे के दिन उनका शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है और उस दिन की तस्वीरें देखकर तो ये लोग और जलेंगे भुनेंगे। सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं कि संडे को बर्नौल की बिक्री जो है वो आसमान छुएगी, क्योंकि जब से रिजल्ट आया है तब से ये बेकार की उम्मीद लगाकर बैठ गए कि एनडीए के अंदर खेला होगा। लेकिन आज एनडीए ने बड़े धूमधाम से नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुन लिया और पूरे कमिटमेंट के साथ नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में सरकार चलाने का भरोसा दिया। एनडीए के नेताओं और सांसदों की आज संसद के सेंट्रल हॉल में बैठक हुई, जिसमें नरेंद्र मोदी की लीडरशिप को सबने समर्थन दिया।
एनडीए की बैठक में नरेंद्र मोदी को नेता चुने जाने के बाद नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति से मिले, उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया, राष्ट्रपति ने उन्हें सरकार बनाने का न्योता दे दिया और अब 9 तारीख को रविवार के दिन शपथ ग्रहण होगा। एनडीए की मीटिंग में नरेंद्र मोदी को नेता चुनने के बाद एनडीए के सारे नेता आज राष्ट्रपति से मिलने के लिए गए और समर्थन पत्र राष्ट्रपति को सौंपा। इन नेताओं में बीजेपी की तरफ से अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और अमित शाह थे। इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जैसे अहम सहयोगी मौजूद थे। इसके अलावा एनडीए के दूसरे सभी नेता जैसे एकनाथ शिंदे, चिराग पासवान, अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी भी वहां पर मौजूद रहे। एनडीए नेताओं ने राष्ट्रपति को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला समर्थन पत्र सौंपा, जिसके आधार पर राष्ट्रपति ने नई सरकार बनाने का न्योता दिया है। आज जब नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले तो नई सरकार बनने के शुभ काम से पहले राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को दही चीनी भी खिलाई। ये तस्वीर देखिए, बड़ी दिलचस्प तस्वीर है। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुंह मीठा कराया, दही और चीनी खिलाया, क्योंकि हमारे देश में इसका रिवाज है, अक्सर लोग शुभ काम से पहले दही चीनी ग्रहण करते हैं। ऐसा माना जाता है इससे गणेश जी और लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। राष्ट्रपति से मिलने के बाद नरेंद्र मोदी ने बताया कि 9 जून की शाम को शपथ ग्रहण समारोह होगा और एक उस दिन क्या कार्यक्रम होगा ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन एक बार नरेंद्र मोदी को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि आज एनडीए की बैठक में ऐसी ऐसी चीजें हुई है बॉस, और नरेंद्र मोदी ने जो आज धोया है सुनिएगा तो। लेकिन पहले ये देखिए, एनडीए के सभी साथियों ने मुझे फिर से एक बार इस दायित्व के लिए पसंद किया है और सभी एनडीए के साथियों ने राष्ट्रपति जी को इसकी जानकारी दी और राष्ट्रपति जी ने मुझे अभी बुलाया था और मुझे प्रधानमंत्री डेजिग्नेटेड के रूप में काम कर रहे एक नियुक्ति दी है और मुझे शपथ समारोह के लिए और मंत्रिपरिषद के सदस्यों के सूची के लिए उन्होंने सूचित किया है। मोटे तौर पर मैंने राष्ट्रपति जी को कहा है कि हमें 9 तारीख शाम को सुविधा रहेगी, अब बाकी डिटेल तो राष्ट्रपति भवन वर्कआउट करेगा और हम तब तक मंत्रिपरिषद की सूची राष्ट्रपति जी को सुपुर्द करेंगे, उसके बाद शपथ समारोह होगा। एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री पद के लिए चुने जाने के बाद पीएम मोदी ने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से आशीर्वाद दे लिया। पीएम मोदी ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के घर जाकर उनसे मुलाकात की और आशीर्वाद लिया। साल 2014 और 2019 में भी पीएम मोदी इसी तरह से लालकृष्ण आडवाणी का आशीर्वाद लेने के लिए गए। उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी बीजेपी के एक और वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी से मिलने गए, उनका आशीर्वाद ग्रहण किया। एनडीए की बैठक में राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए औपचारिक रूप से 3 प्रस्ताव आज रखे जो सर्वसम्मति से पास हुए। पहला प्रस्ताव जिसमें बीजेपी संसदीय दल के नेता के रूप में पीएम मोदी को चुना गया, दूसरा प्रस्ताव एनडीए के संसदीय दल के नेता के रूप में पीएम मोदी को औपचारिक रूप से चुन लिया गया और तीसरा प्रस्ताव लोकसभा के नेता के रूप में नरेंद्र मोदी के नाम पर एनडीए गठबंधन ने मुहर लगा दी। एनडीए की बैठक में इन प्रस्तावों पर मुहर के साथ ही मोदी मोदी के नारे लगने लगे। एक बार देखिए वहां किस तरह से माहौल बन गया था, फिर आगे की चीजें दिखाता हूं। बहुत से लोगों के मन में यह भी सवाल है कि नरेंद्र मोदी गठबंधन की सरकार चलाएंगे कैसे, क्या उनके कामकाज करने का तरीका बदल जाएगा, क्या उनके जो गोल्स हैं वो बदल जाएंगे, क्या उनका जो विजन है विकसित भारत को लेकर वो बदल जाएगा, क्या सीटें कम आने से उनका काम के प्रति जो जोश है वो कम हो जाएगा। आज पीएम मोदी ने ऐसी सभी आशंकाओं को दूर कर दिया। पीएम मोदी ने यह क्लियर कर दिया कि उनके प्लान में कोई चेंज नहीं है बॉस। उन्होंने साफ कहा कि उनका तीसरा कार्यकाल बड़े फैसलों का है,
यानी गठबंधन की सरकार में भी कड़े और बड़े फैसले जारी रहेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि अगले 5 साल भी उनकी सरकार उसी गति और समर्पण भाव से चलेगी जैसे पहले चलती थी। पीएम मोदी ने फिर से देश को तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प दोहराया, यानी मैसेज साफ है कि अर्थव्यवस्था के लिए जो बड़े फैसले होने हैं वो नहीं रुकने वाले। पीएम मोदी ने साफ कहा कि यह सत्ता प्राप्त करने का जमावड़ा नहीं है, बल्कि हमें देश को आगे बढ़ाने के नाम पर वोट मिला है। यानी पीएम ने साफ कर दिया कि उनका तीसरा कार्यकाल भी नेशन फर्स्ट की भावना पर ही चलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार विकास और गुड गवर्नेंस का नया अध्याय लिखेगी और सब मिलकर विकसित भारत के सपने को साकार करेंगे। पीएम मोदी ने आज एनडीए की बैठक में अगले 5 नहीं बल्कि 10 साल का विजन सबके सामने रखा। अभी आप सोच रहे होंगे कि बार बार पीएम मोदी क्यों कह रहा हूं, अभी तो उन्होंने शपथ नहीं ली। अभी आपने खुद सुना कि राष्ट्रपति ने उन्हें पीएम डेजिग्नेट के तौर पर एक तरह से अभी नियुक्त किया है, इसलिए इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। एक बार सुनिए पीएम मोदी को, उन्होंने क्या कहा है, फिर वो तस्वीर दिखाऊंगा जिसने राहुल गांधी का सपना तोड़ दिया। साथियों, एनडीए सरकार में हम अगले 10 साल में, मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, अगले 10 साल में गुड गवर्नेंस, विकास, नागरिकों के जीवन में क्वालिटी ऑफ लाइफ, और मेरा व्यक्तिगत रूप से एक बहुत बड़ा ड्रीम है, सामान्य मानवी के जीवन में से और खास करके मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, उनके जीवन में से सरकार की दखल जितनी कम हो उतनी लोकतंत्र की मजबूती है। आज यह भी क्लियर हो गया कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के बारे में जो लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे थे, वैसा कुछ नहीं होने वाला। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों नरेंद्र मोदी के साथ हैं और रहेंगे। आज की तस्वीरों में नरेंद्र मोदी को लेकर इन दोनों का कमिटमेंट नजर आया। दोनों नेताओं की बातों में नरेंद्र मोदी के लिए ट्रस्ट नजर आया, विश्वास नजर आया। दोनों नेता नरेंद्र मोदी को बहुत मानते हैं यह दिखा, क्योंकि ऐसा ना होता तो नीतीश कुमार आज नरेंद्र मोदी के पैर छूने की कोशिश ना करते। आप ये तस्वीर देखिए, इसकी देश भर में चर्चा है बॉस, कि नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के पैर छू लिए। आज की सबसे दिलचस्प तस्वीर यही है, जब नीतीश कुमार एनडीए के मंच से बोलकर नरेंद्र मोदी के पास आए तो वो नरेंद्र मोदी के पैर छूने के लिए झुक गए, लेकिन जैसा नरेंद्र मोदी अमूमन करते हैं उन्होंने उन्हें रोक लिया, पैर छूने नहीं दिया। इस तस्वीर की हर जगह चर्चा है, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि नीतीश कुमार ऐसा करेंगे। एक बार पहले इसका वीडियो देखिए, फिर आपको बताता हूं कि नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी का पैर छुआ क्यों। मैं एनडीए के हमारे सम्मान्य साथी, शिवसेना के हमारे एनडीए के देखिए, पॉलिटिक्स में एक एक बात, एक एक तस्वीर का मतलब होता है। आप इस बात को समझिए कि नीतीश कुमार की ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी के पैर छुए। इससे पहले तो नहीं छुए, ऐसा तो नहीं कि आज पहली बार मिल रहे हैं, और आज की डेट में तो वो किंग मेकर के रोल में है। फिर भी अगर नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के पैर छू रहे हैं तो ये अपने आप में बड़ा मैसेज है कि नीतीश कुमार इस बार कमिटेड है, क्योंकि पैर छूने का कोई दूसरा मायने नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आप उम्र देखिए, वरिष्ठता देखिए, अनुभव देखिए, तो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी दोनों लगभग करीब करीब हर चीज में बराबर हैं। नरेंद्र मोदी 74 साल के हैं, नीतीश कुमार 73 साल के हैं, तो ऐसा तो नहीं कि बहुत बड़ा एज का डिफरेंस है कि उन्होंने पैर छू लिया। दोनों ही नेताओं ने 70 के दशक में एक्टिव पॉलिटिक्स की, एक्टिव राजनीति की शुरुआत की थी। नीतीश कुमार पहली बार 2001 में बिहार के सीएम बने, नरेंद्र मोदी पहली बार साल 2002 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने। यानी अनुभव, उम्र और वरिष्ठता करीब करीब बराबर है। उसके बावजूद अगर पैर छू रहे हैं सबके सामने तो इसका मैसेज बड़ा है। नीतीश कुमार क्योंकि नेता हैं तो राजनीति में कई मैसेज बिना कहे बॉडी लैंग्वेज से दिया जाता है, और नीतीश कुमार ने यही तरीका चुना। उन्होंने नरेंद्र मोदी के पांव छूकर न सिर्फ एनडीए को बल्कि इंडी गठबंधन को भी यह संदेश दे दिया कि वो अब सरेंडर मोड में है और उन्हें नरेंद्र मोदी का नेतृत्व मंजूर है।
जबकि कल से यह नैरेटिव चल रहा था कि देखिए जेडीयू खेल कर देगी, जेडीयू ने अग्निवीर पर सवाल उठा दिया, जेडीयू यूसीसी को लागू नहीं होने देगी, लेकिन इन सबके बीच नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी का पांव छूकर क्लियर मैसेज देने की कोशिश की कि कुछ खेल नहीं करने वाले हैं। उन्होंने साफ कर दिया कि इस गठबंधन का लीडर कौन है। भाई किंग मेकर किसी को भी बताइए, लेकिन किंग मेकर लीडर नहीं है इस सरकार में, लीडर नरेंद्र मोदी ही है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने इस तस्वीर में स्पष्ट कर दी कि नरेंद्र मोदी की यह सरकार उनके आशीर्वाद से नहीं चल रही, बल्कि नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद लेकर गठबंधन के साथ ही काम शुरू करने जा रहे हैं। यह बहुत बड़ा मैसेज है कि किंग मेकर्स की आशीर्वाद से सरकार नहीं चलेगी, मोदी के आशीर्वाद से किंग मेकर्स काम करेंगे। राजनीति में एक तस्वीर से सोचिए कितने संदेश दिए जाते हैं। आज नीतीश कुमार ने खुद यह बात कही, भरोसा जताया कि वो कहीं नहीं जाने वाले। एक बार नीतीश कुमार को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि नीतीश कुमार की एक और तस्वीर जिससे कांग्रेस को बहुत दिक्कत हो गई। हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना तो इस बार हम देखेंगे कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा। अगर आप आज की तस्वीरें ध्यान से देखें तो नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू तीनों की केमिस्ट्री भी अच्छी दिख रही थी। आज तीनों नेता एकदम रिलैक्स मोड में दिख रहे हैं। देखिए बातचीत किस तरह से चल रही है, ऐसा लग रहा है कि सभी एक टीम की तरह काम करने के लिए तैयार है। कोई ये नहीं कह सकता कि किसी तरह का कोई तनाव है, टकराव है, मनमुटाव है, कोई टेंशन है। तीनों नेता बातचीत जब कर रहे हैं तो वो रिलैक्स मोड में देख रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं, टीम की तरह बात कर रहे हैं। और आप नरेंद्र मोदी की तस्वीरों पर ध्यान दीजिए, वो एकदम रिलैक्स भी दिख रहे हैं। नीतीश कुमार की तरह ही आज चंद्रबाबू नायडू ने भी पीएम मोदी की जबरदस्त तारीफ की। चंद्रबाबू नायडू के साथ नरेंद्र मोदी के पुराने संबंध रहे, चंद्रबाबू नायडू को गठबंधन सरकारों का भी बहुत अनुभव रहा है, इसलिए नरेंद्र मोदी के साथ गठबंधन सरकार चलाने में चंद्रबाबू नायडू कोई रुकावट पैदा करेंगे इसकी संभावना कम दिखती है। चंद्रबाबू नायडू तो नरेंद्र मोदी के वैसे ही बड़े फैन, आज उन्होंने एनडीए की मीटिंग में भी नरेंद्र मोदी के बारे में कह दिया कि नरेंद्र मोदी के पास विजन और जोश है, उनका क्रियान्वयन बहुत सही है, वो अपनी सभी नीतियों को सच्ची भावना के साथ क्रियान्वित कर रहे हैं। आज भारत के पास सही नेता है और वो नरेंद्र मोदी हैं। ये भारत के लिए बहुत अच्छा मौका है, अगर आप अभी चूक गए तो हमेशा के लिए चूक जाएंगे। यानी नायडू का भी मैसेज क्लियर है कि नरेंद्र मोदी को फ्री हैंड है, वो जैसे चाहे वैसे सरकार चला सकते हैं और देश को आगे बढ़ाने के लिए जो भी जरूरी नीतियां हो उसे लागू करने में गठबंधन किसी तरह का स्पीड ब्रेकर नहीं बनेगा। इन बातों का मतलब यह भी है कि नरेंद्र मोदी पर सहयोगियों की तरफ से मंत्री पदों को लेकर कोई ज्यादा दबाव नहीं है। पहले लोग ये बात कर रहे थे कि ये सब सहयोगी अपनी डिमांड लिस्ट लाएंगे और नरेंद्र मोदी को प्रेशर में लाकर उनसे अपनी बातें मनवाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ फिलहाल होता दिख नहीं रहा। खुद नरेंद्र मोदी ने भी आज क्लियर कर दिया कि मंत्री पद को लेकर जो भी बातें की जा रही हैं किसी अफवाह पर कोई ना जाए, ब्रेकिंग न्यूज से देश नहीं चलेगा, जो होगा वो बैठकर उनकी टीम सही निर्णय ले लेगी। एक बार सुनिए नरेंद्र मोदी को, फिर ये भी दिखाऊंगा कि कैसे आज उन्होंने भिगो भिगो कर इंडी गठबंधन को धोया है। पिछले दो दिन से आप टीवी पे देखते होंगे, एक भी सच्चाई मुझे उसमें नजर नहीं आई। कोई ये कह रहा है, कोई वो कह रहा था, सब मैंने कहा जरा पूछो तो जानकारी लाते कहां से, गपगोले चला रहे, किसी के खाते में कुछ भी डाल करके चल रहा है। मतलब ये थोड़े दिन, क्योंकि 10 साल से ऐसे अवसर नहीं मिले हैं तो शायद ये उबाल जरा ज्यादा रहेगा, लेकिन आप मान के चलिए जी तो आजकल कई लोग सरकार बनाने में लगे हुए हैं, मंत्री पद बांट रहे हैं, पद बांट रहे हैं, व्यवस्था बांट रहे हैं। मैं आपसे आग्रह पूर्वक कहता हूं और जो मोदी को जानते हैं, ये सारे प्रयास निरर्थक है। वे अफवाहों से दूर रहें, ये जो टीम बैठी है वो अनुभवी टीम है,
मुझे भी सही सलाह देने वाली टीम है और इसलिए टीम मिलकर के बहुत सही निर्णय करने वाली है। कृपा करके ब्रेकिंग न्यूज के आधार पर देश चलेगा नहीं, ये मान के चलिए। आगे बढ़ने से पहले एक ग्राफिक्स जो गड़बड़ चल गया वो आपको बता दूं। नीतीश कुमार पहली बार साल 2000 में मुख्यमंत्री बने थे और नरेंद्र मोदी 2001 में बने। खैर आगे बढ़ते हैं। जहां तक मंत्रिमंडल के गठन की बात है तो सारी औपचारिकताएं होने के बाद, पूरी होने के बाद लगातार मीटिंग हो रही है। एनडीए के सभी सहयोगी दल एक एक करके बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ मुलाकात करके निकल गए। इस बैठक में सभी सहयोगी दलों को मंत्रिमंडल में कितने विभाग मिलेंगे इसकी जानकारी दी जा रही है, क्योंकि शपथ ग्रहण 9 तारीख को होना है और अब सिर्फ कल का दिन बचा हुआ है। इस वक्त पीएम मोदी के शपथ ग्रहण और मंत्रिमंडल को लेकर एक बड़ी खबर भी आ रही है। मोदी कैबिनेट से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर यह है कि टीडीपी को 3 मंत्री पद मिल सकते हैं, ये सूत्र कह रहे हैं, और जेडीयू को 2 मंत्री पद मिल सकते हैं। शिंदे और अजीत पवार को गुट को एक एक मंत्री पद, ये सूत्रों का दावा है, और चिराग की पार्टी को भी एक मंत्री पद मिलेगा, ये सूत्र बता रहे हैं। एनडीए की बैठक में सहयोगी दलों का नरेंद्र मोदी के प्रति समर्पण और एकजुटता को देखकर इंडी गठबंधन परेशान हो गया, क्योंकि इंडी गठबंधन को तो यही आस थी कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू उनके पाले में आ जाएंगे या फिर ये दोनों मिलकर नरेंद्र मोदी को मजबूरी वाली सरकार चलाने पर मजबूर कर देंगे। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ होता दिख तो नहीं रहा है, इसलिए इंडी गठबंधन की बौखलाहट बढ़ रही है। वो हर तरीके से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को भड़काने में लगे और ये लोगों के बीच भी नैरेटिव फैला रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अब खुलकर सरकार नहीं चला पाएंगे। आज एनडीए की बैठक खत्म होने के ठीक बाद कांग्रेस ने एक ट्वीट किया जिसमें एक ग्राफिकल इमेज के जरिए यह दिखाया गया कि कैसे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार सरकार चलाएंगे और नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी आज एक ट्वीट किया जिसमें ग्राफिकल इमेज के जरिए यह दिखाया गया कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ड्राइविंग सीट पर बैठकर टेम्पो चला रहे हैं और नरेंद्र मोदी पीछे बैठे हुए। कांग्रेस की बौखलाहट इस हद तक पहुंच गई कि नीतीश कुमार के पांव छूने वाली तस्वीरों पर वो अजीब बयान दे रही है। एक बार कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि नीतीश कुमार के बाद किसने नरेंद्र मोदी के पांव छू लिए। मैं ये भी जानना चाहता हूं कि ये जो चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार जी हैं, ये दोनों बायोलॉजिकल हैं या वो ये भी अवतार हैं? क्योंकि अकेले बेचारे नरेंद्र मोदी जी नॉन बायोलॉजिकल, एक तरफ एक बायोलॉजिकल आदमी दूसरी तरफ दूसरा बायोलॉजिकल आदमी, बड़ा अटपटा सा नहीं लग रहा आप लोगों? डर भी रहे थे, मैं देख रहा था नरेंद्र मोदी जी जब ये पांव छूने जा रहे थे, उन्हें लगा कहीं पांव खींच न लें, तो वो डर था। जैसे सोशल मीडिया पे ट्रोल्स बातें करते हैं वैसे बातें कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर रही। ऐसी बातें इंडी गठबंधन और कांग्रेस इसलिए कर रही है क्योंकि इनसे देखा नहीं जा रहा कि नीतीश कुमार मजबूती के साथ नरेंद्र मोदी के साथ खड़े। नीतीश कुमार ने तो आज ये भी कह दिया कि पीएम मोदी ने देश की सेवा की है और जो काम बाकी रह गए हैं वो काम आगे पूरा करेंगे। नीतीश कुमार का ये बयान भी सुनिए। 10 साल से ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं और इन्होंने पूरे देश की सेवा की। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे और जो भी हर राज्य का है। नीतीश कुमार ही नहीं, एनडीए का हर नेता नरेंद्र मोदी के साथ मजबूती से खड़ा दिख रहा है। इसलिए इंडी गठबंधन अगर अपने लिए कोई मौका देख रहा है तो उसके लिए बहुत बड़ा झटका है। जहां तक पैर छूने की बात है तो एलजेपी के नेता चिराग पासवान ने भी नरेंद्र मोदी के पैर छुए। पीएम मोदी ने चिराग को आशीर्वाद दिया, गले लगाया, शुभकामनाएं दी। ऐसी तस्वीरों ने इस धारणा को और मजबूती दे दी कि नरेंद्र मोदी को एनडीए सहयोगियों का पूरा समर्थन है और सरकार चलाने में ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। आज बैठक में एनडीए के कई दलों के नेताओं ने सबके सामने ये फिर क्लियर कर दिया कि उन्हें नरेंद्र मोदी का नेतृत्व मंजूर है और वो मजबूती से नरेंद्र मोदी के साथ खड़े। एक बार एनडीए के नेताओं को सुनिए, फिर दिखाऊंगा मोदी योगी की वो तस्वीर जो यूपी को लेकर बड़ा मैसेज दे रही है। ये झूठे नैरेटिव और झूठी अफवाह फैलाने वाले को देश की जनता ने नकारा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को स्वीकारा है। बाबा साहेब ठाकरे जी के नेतृत्व में हमारे जो गठबंधन हुआ है, ये गठबंधन एक फेविकोल का जोड़ है, ये बिल्कुल टूटेगा नहीं। मेरी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से एनडीए संसदीय दल के नेता पद पर श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का समर्थन करता हूं। मैं मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं
आपकी वजह से एनडीए को ये प्रचंड जीत हासिल हुई है, इसका श्रेय आपको जाता है सर। आप ही में वो इच्छा शक्ति थी कि जिसने इतिहास में इस तरीके की प्रचंड जीत को दर्ज कराने का काम किया। ये कोई सामान्य बात नहीं था कि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए को इतनी बड़ी जीत मिलती गई। पर हम आश्वस्त करना चाहते हैं इस सदन को कि हम हर हालत में नरेंद्र मोदी जी के साथ और एनडीए के साथ रहेंगे, समर्थन करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका ये पूरा एनडीए परिवार मजबूती के साथ आपके पीछे और आपके साथ खड़ा है। आप हमारा नेतृत्व करें राष्ट्र निर्माण के हर संकल्प को पूरा करने के लिए। हम सभी एकजुट होकर पूरी तत्परता से कार्य करेंगे। यानी तस्वीरों को देखकर तो यही लग रहा है कि जो राहुल गांधी कह रहे थे कि लिख के रख लो मोदी पीएम नहीं बनने जा रहे, अब उन्हें भी नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण टीवी पर या कहीं सोशल मीडिया पे तो दिख ही जाएगा, भले ना देखना चाहिए। हो सकता है पीएम बुलाएंगे, निमंत्रण देंगे तो वहां जाएंगे, तो सामने बैठ के देखना पड़ेगा कि मोदी जी फिर तीसरी बार शपथ ले रहे हैं। नीतीश और नायडू पर इंडी गठबंधन जो सोच रहा था वो तो फेल हो गया। जिस तरह से कांग्रेस लगातार नीतीश और चंद्रबाबू नायडू को लेकर बातें कर रही थी, उसी तरह से कांग्रेस यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी पीछे पड़ी हुई है। कांग्रेस कह रही है कि यूपी में सीएम योगी की कुर्सी खतरे में, क्योंकि यूपी में खराब प्रदर्शन के बाद बीजेपी के अंदर योगी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल बोल रहे हैं कि योगी की कुर्सी डगमगा रही है। पवन खेड़ा कह रहे हैं कि बीजेपी में तूफान आने वाला है, क्योंकि बीजेपी में नागपुर से लेकर लखनऊ तक कई प्रेशर एरिया बन गए। ये वो कांग्रेस पार्टी कह रही है जो सपा के कंधे पे बैठ के कुछ सीटें जीत पाई है। सुनिए पवन खेड़ा को, फिर आपको दिखाऊंगा आज मोदी योगी की ऐसी तस्वीर आई है जो ये सारा भ्रम तोड़ देगी। आने वाले कुछ हफ्ते कुछ महीने बहुत रोचक होंगे भारतीय राजनीति में। एक तूफान बन चुका है, वो जो क्या कहते हैं आप लोग, जब साइक्लोन आता है तो एक प्रेशर एरिया बन चुका है। प्रेशर एरिया एक नहीं अनेक बन चुके हैं। नागपुर में रेशम बाग में एक प्रेशर एरिया बना हुआ है, गडकरी जी की मन में एक प्रेशर एरिया बना हुआ है, लखनऊ में गोरख मठ में गोरखनाथ जी के मठ में एक प्रेशर एरिया बना हुआ है। इतने सारे प्रेशर एरियाज बने हुए हैं, नायडू जी और नीतीश कुमार जी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, जो होना है भीतर से ही हो जाएगा। तो अभी तक पहले नायडू जी और नीतीश जी कह रहे थे, अब जब दिखा कि वो नहीं हो रहा है तो कह रहे अंदर ही अंदर हो जाएगा। विपक्ष जो भ्रम फैला रही है उसे पीएम मोदी ने एक तस्वीर से तोड़ दिया। कांग्रेस समेत पूरे इंडी गठबंधन को आज की यह तस्वीर देखनी चाहिए। संसद भवन में एनडीए की बैठक में योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे। एनडीए के सारे नेता पीएम मोदी को फूल देकर स्वागत कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने भी पीएम मोदी को फूल देकर स्वागत किया। इस दौरान पीएम मोदी ने योगी आदित्यनाथ की पीठ थपथपाई। पीएम मोदी ने किसी और की पीठ नहीं थपथपाई, बल्कि योगी की पीठ थपथपा के यह संदेश दे दिया कि जो कर रहे हो वो करते रहो, सब ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पीएम मोदी नी जर्क रिएक्शन देने वाले नेताओं में से नहीं है। क्या यूपी में सीट कम हुआ योगी को हटा दो, वो ऐसा नहीं करते बॉस। उनको पता है कि योगी आदित्यनाथ ने यूपी में कितना काम किया, और लगातार चुनावी रैलियों में बोलते रहे कि योगी जी ने गजब का काम किया। कुछ सीट ऊपर नीचे होने से जिस योगी मॉडल की देश में चर्चा होती है वो योगी मॉडल ध्वस्त हो गया, ऐसा थोड़ी हो गया। तो आज उन्होंने आप देखिए ना, इतने में से किसी का पीठ नहीं थपथपाया, सिर्फ योगी आदित्यनाथ का पीठ थपथपाया। क्लियर मैसेज चला गया कि पीएम योगी आदित्यनाथ के काम से संतुष्ट भी हैं, खुश भी हैं, और मैसेजिंग चली गई। इसी तरह से लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर भी विपक्ष ने भ्रम फैलाया था। चुनाव नतीजों में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए कैसी कैसी बातें कही जा रही थी। ये लोग बोलते रहे नरेंद्र मोदी को जनता ने नकार दिया, चुनाव नतीजे मोदी के खिलाफ हैं, नरेंद्र मोदी चुनाव हार गए हैं, नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना चाहिए, जनता ने इंडी गठबंधन को आशीर्वाद दिया, जनता ने मोदी का घमंड तोड़ दिया। 4 जून के बाद से ही इस तरह की बातें हो रही थी इंडी गठबंधन, और सोशल मीडिया पर उसके समर्थक लगातार ऐसा माहौल बना रहे थे कि जैसे नतीजों में इंडी गठबंधन को बहुमत मिला और नरेंद्र मोदी जबरदस्ती सरकार बना रहे हो। प्रधानमंत्री मोदी ने आज साफ साफ कहा कि वो ना पहले हारे थे ना अब हारे हैं, पहले भी एनडीए की सरकार थी और अब फिर से एनडीए की सरकार बनने वाली है। सुनिए पीएम मोदी को, फिर बताऊंगा कैसे पीएम मोदी ने हार के बाद भी खुश हो रही कांग्रेस की आज जबरदस्त क्लास लगाई। दुनिया ये मानती है और मानेगी कि ये
एनडीए का महाविजय है। और आपने देखा दो दिन कैसा चला, जैसे हम तो हार चुके हैं, गए सब, चारों तरफ यही दिखता था। लेकिन देशवासी जानते हैं कि न हम हारे थे न हम हारे हैं। आप किसी भी बालक को पूछो कि भाई लोकसभा के चुनाव के पहले सरकार किसकी थी, तो कहेगा एनडीए। 24 के नतीजों के बाद सरकार किसकी बनी, एनडीए। फिर हारे कहां से भाई, पहले भी एनडीए थी, आज भी एनडीए और कल भी एनडीए है। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के सारे भ्रम तोड़ने के साथ साथ उसकी क्लास भी लगाई, भिगो भिगो के धोया। पीएम मोदी ने खास तौर पर कांग्रेस को चुनाव में उसके प्रदर्शन की याद दिलाई। पीएम ने कहा कि 10 साल बाद भी कांग्रेस 100 सीट नहीं जीत पाई। पाठशाला में मैंने आपको इसके बारे में कल बताया भी था, आज वही बात पीएम मोदी ने भी कह दी। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 3 चुनावों में कांग्रेस को उतनी सीटें भी नहीं आई जितनी बीजेपी को इस बार अकेले मिली। सुनिए पीएम को। आप सोचिए 10 साल बाद भी, 10 साल बाद भी कांग्रेस 100 के आंकड़े को नहीं छू पाई। और अगर मैं 14, 19 और 24 3 चुनावों को जोड़ करके कहूं, कांग्रेस के 3 चुनाव जोड़ूं, तो इन 3 चुनावों में जितनी सीटें हमें मिली है उससे ज्यादा हमें इस चुनाव में मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब संसद के संविधान भवन में पहुंचे तो सबसे पहले संविधान की मूल प्रति को प्रणाम भी किया। पूरे चुनाव में कांग्रेस ने यह नैरेटिव फैलाया कि मोदी सरकार संविधान बदलने जा रही है, लेकिन संसद से जो तस्वीरें आई वो कांग्रेस के इस नैरेटिव को तोड़ने के लिए काफी है। पीएम मोदी ने संविधान को प्रणाम किया और संविधान के मूल प्रति को माथे से लगाया, उसे उसके आगे नतमस्तक हुए। पीएम मोदी की इस तस्वीर ने कांग्रेस का नैरेटिव खत्म किया। उसके बाद अब कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी के आरोप सही थे, इसलिए पीएम मोदी ने संविधान को प्रणाम करके अपनी गलती सुधार ली। सुनिए एक बार कांग्रेस के नेताओं को, फिर बताता हूं कि ये इसमें भी कहां गलती कर बैठे हैं। मोदी जी जाके जो मूल प्रति है उसके सामने नतमस्तक हुए, क्या संदेश देना चाहते थे वो कि विपक्ष जो नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है वो गलत है? वो गुप्त संदेश था जो राहुल जी को वो दे रहे थे कि राहुल जी आप ठीक थे, मेरे से गलती हो गई। मैंने कहा ना 100 सीट पहुंच नहीं पा रहे, कई राज्यों में सुपड़ा साफ है, कुछ राज्यों में सीटें किसी के कंधे पर बैठकर आई हैं, जहां अपनी सरकार है वहां भी सीट नहीं जीत पाई है कांग्रेस, और बावजूद इसके माहौल वही है, महाराज की जय हो, राहुल जी ने अद्भुत कर दिया, राहुल जी ने ये कर दिया, राहुल जी की वजह से मोदी जी ने संविधान को प्रणाम कर लिया। इनका बस चले तो यह भी कह दे कि राहुल जी ने कह दिया था इसलिए मोदी जी सांस ले रहे हैं। भाई कांग्रेस कह रही है कि पीएम मोदी ने राहुल गांधी के आरोपों की वजह से संविधान को प्रणाम किया, लेकिन कांग्रेस 2014 और 2019 की तस्वीरें भूल गई क्या? 2019 की तस्वीर देखिए, जब नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे तो एनडीए की बैठक इसी संविधान भवन में हुई थी और उस समय भी पीएम मोदी संविधान के आगे नतमस्तक हुए थे। ये 2019 की तस्वीर दिखा रहा हूं, तब तो राहुल गांधी ने नहीं बोला था कि मोदी जो है वो संविधान खत्म करने वाले हैं। उस समय तो कांग्रेस ये नैरेटिव चला भी नहीं रही थी कि पीएम संविधान बदल देंगे। इसी तरह से साल 2014 की यह तस्वीर देखिए, पीएम मोदी पहली बार संसद भवन पहुंचे थे तो लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन को साष्टांग प्रणाम किया था। ये तस्वीरें साफ कह रही हैं कि लोकतंत्र और संविधान में पीएम मोदी की अटूट आस्था है और वो आज भी बरकरार है। लेकिन बोलने के लिए ईवीएम गड़बड़, डीएम गड़बड़, आज तक 150 डीएम को अमित शाह ने फोन किया, उसका सबूत नहीं दे पाए लोग, नाम लिख के नहीं दिया कि इस डीएम को फोन गया था। और आज पीएम मोदी शायद विपक्ष के सारे नैरेटिव तोड़ने के मूड में थे। संविधान के अलावा पीएम मोदी ने ईवीएम पर भी विपक्ष को आड़े हाथों लिया। पीएम ने कहा कि जो लोग ईवीएम पर सवाल उठा रहे थे उन सभी को खुद ईवीएम ने चुप करा दिया। सुनिए एक बार। तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वाकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया? क्योंकि
ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वासी लोगों का उठ जाए और लगातार ईवीएम को गाली देना। और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी निकाल जुलूस निकालेंगे, लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए, ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। नरेंद्र मोदी ने चुनाव के दौरान राहुल गांधी के खटाखट पैसे वाले बयान पर भी सवाल उठाए। राहुल गांधी कहते थे कि चुनाव के बाद खटाखट 1 लाख रुपए गरीब महिलाओं के अकाउंट में आ जाएंगे, उसके लिए बकायदा फॉर्म भी भरवा लिया गया। और अब कांग्रेस दफ्तर के बाहर बड़ी संख्या में महिलाएं 1 लाख रुपए की उम्मीद में पहुंच रही हैं। उनको लगा कि भाई 4 जून के बाद आना है, तो हो गया 4 जून, अब दीजिए फॉर्म भरवाने का तो यही मतलब है ना भाई। इसी पर पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने देश के गरीबों का अपमान किया, आज कांग्रेस दफ्तर से उन लोगों को डंडे मारकर भगाया जा रहा है। सुनिए एक बार। मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस के दफ्तरों पर लोग कतार लगा के खड़े हैं कि पर्ची है 1 लाख रुपया कहां है, लाओ भाई, मांग रहे हैं लोग। यानी आपने जनता जनार्दन की आंखों में कैसा उनको भ्रमित किया, कैसी आंख में धूल झोंक दी कि वो बेचारा सामान्य नागरिक मान के चलता था, हाँ भाई 4 जून के बाद रुपया मिल जाएगा, इसलिए वो जाके खड़ा रह गया। और अब उसको धक्का मारा जा रहा है, डंडे मारे जा रहे हैं, वहां से निकाला जा रहा है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ ये बात लोगों के सामने रखी कि पूरा गठबंधन मिलकर सारे प्रयास करके झूठ फरेब सच प्रोपेगेंडा सारी चीजें करके भी नरेंद्र मोदी की 50-60 सीट ही कम कर पाया, और सब चाहने के बावजूद भी आया तो मोदी। पाठशाला में अब अगली क्लास। मोदी को वोट ना करके अयोध्या की जनता आंसू बहा रही है क्या? अयोध्या में कौन बोला मोदी को वोट ना करके बड़ी गलती कर दी? अयोध्या में बीजेपी की हार पर वो रिपोर्ट जो पूरी तस्वीर साफ कर देगी, अब जरा वो देखिए। चार जून का रिजल्ट आए, 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन एक सीट के रिजल्ट की चर्चा हर जगह अभी भी चल रही है, और वो सीट है फैजाबाद की, यानी जिसे सामान्य बोलचाल की भाषा में लोग अयोध्या की सीट कहते हैं, जहां पर 500 साल के संघर्ष के बाद राम मंदिर बना था, और इसी साल जनवरी में जहां पर भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, तब पूरा देश राम में था, अयोध्या में था। इसलिए जब अयोध्या के नतीजे आए और वहां पर बीजेपी हार गई तो बहुत लोगों को शॉक लगा कि बॉस ऐसा कैसे कि अयोध्या में बीजेपी हार गई। इधर उधर कहीं होता तो आदमी सोचता भी। लोगों को यह झटका इसलिए लगा क्योंकि अयोध्या का इस बार का चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं था। करोड़ों सनातनियों के 500 साल के संघर्ष, उनके बलिदान और भगवान राम के प्रति आस्था और उनके सम्मान से जुड़ा चुनाव था। देश के बहुत से लोगों का मानना है कि अयोध्या के लोगों ने इन सभी बातों को भुलाकर विपक्ष के बिछाए जाति के जाल में फंसकर बीजेपी को हरा दिया। लेकिन अब अयोध्या के बहुत से लोग ये मान रहे हैं कि जातीय समीकरण और बीजेपी के उम्मीदवार के प्रति नाराजगी के चलते बीजेपी के साथ बहुत गलत कर दिया। आगे बढ़ने से पहले आपको अयोध्या के लोगों की बातें सुनवाता हूं जो इस हार से बहुत निराश महसूस कर रहे हैं। आप जिस बात कहीं लग गए होंगे, चंद रुपए दिख गए होंगे, अयोध्यावासी भगवान के नहीं हुए तो योगी मोदी के क्या होंगे। चीन और पाकिस्तान के एजेंट भी यहां लगे थे हराने के लिए। अयोध्या में बीजेपी के हार से हर कोई हैरान है। इस हार ने देश के करोड़ों हिंदुओं को निराश कर दिया क्योंकि ज्यादातर लोगों ने इस आम चुनाव को अध्यात्म और सनातन की जीत से जोड़कर मान लिया था। बहुत से लोग तो अयोध्या के वोटरों से नाराज भी हैं, इसलिए सोशल मीडिया पर कई तरह से अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि 500 सालों के एक संघर्ष के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की तारीख इतिहास में दर्ज हो गई, राम मंदिर के निर्माण से पूरा अयोध्या शहर भी बदल गया, यहां नया एयरपोर्ट बनाया गया, रेलवे स्टेशन, हाईवे, सरयू नदी पर घाटों पर नए निर्माण से पूरा शहर राममय हो गया, आज की तारीख में देश भर से लाखों लोग अयोध्या आ रहे हैं जिससे पूरे शहर की अर्थव्यवस्था बढ़ गई है। लेकिन लोगों की नाराजगी इस बात से है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी अयोध्या के लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया।
लोगों के आरोप है कि जाति के जाल में फंसकर अयोध्या के लोगों ने सनातन हिंदू धर्म की बजाय जाति के दबाव में बटन दबा दिया। बहुत से लोग इस हार के लिए अखिलेश यादव के सॉलिड जातीय समीकरण को भी एक वजह मान रहे हैं, लेकिन लोगों को यह दुख हो रहा है कि राम मंदिर बना और हिंदू एक चुनाव भी हिंदू के तौर पर वोट नहीं कर पाया, वहां भी उसको अपनी जाति दिख गई। कुछ लोग बीजेपी के उम्मीदवार को ही इस हार के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि पिछले 40 सालों से जिस अयोध्या के राम मंदिर आंदोलन की बदौलत बीजेपी ने अपनी पूरी पार्टी खड़ी कर ली, लेकिन एक गलत उम्मीदवार के चयन से करोड़ों हिंदुओं को निराश कर दिया गया। आगे बढ़ने से पहले अयोध्या के साधु संतों की बातें सुनवाता हूं जो इस हार से बहुत दुखी हैं। इसके बाद हार के असली कारणों पर भी बात करूंगा। अयोध्या वासी दोगले है, जब भगवान राम के नहीं हुए तो ये किसी के होंगे, ये किसी के नहीं हो सकते। जब माता सीता पे लांछन लगा दिए ये लोग, तो ये लोग जब माता सीता पे लांछन लगाए, उन्होंने त्याग करवाए, तो ये अयोध्या वासी किसी के नहीं हो सकते। ये अयोध्या वासी भगवान के नहीं हुए तो योगी मोदी के क्या होंगे। ये दोगले जब भगवान राम गए थे लंका पे चढ़ाई करने के लिए, उस समय भी अयोध्या वासियों को लेके भगवान नहीं गए थे। उनको मालूम था कि अगर अयोध्या वासी को लेके जाएंगे तो वास्तव में धोखा कर देंगे, ये रावण से समझौता कर लेंगे, इसीलिए वो लेके नहीं गए। इसीलिए ये अयोध्या वासी पे कभी विश्वास मत करना, जो राम को लाए थे अब उनको लाए थे लाएंगे, यही नारा अयोध्या वासी पहले कर रही थी। अब कहा गया वो नारा, अब कहा गया जो राम को लाए थे तुम लोगों ने ठुकरा दिया। तुम्हारे लोगों के जीवन पे धिक्कार हो, ऐसे अयोध्या वासी पे धिक्कार हो। और मैं कहना चाहता हूँ कि जो राम को ठुकराता है उसको दुनिया ठुकराती है। अगर राम को अयोध्या वासियों ने ठुकराया है तो राम भी उनको ठुकराएंगे। ये अवस्थ भविष्यवाणी है संतों का। राम मंदिर बनने के उपरांत ये जो कालिख अयोध्या वासियों के मस्तक पर लगा है, ये शायद हजारों हजार वर्ष तक ना ध्वस्त हो और ये जीवन भर हिंदू, अयोध्या का हिंदू अपने मस्तक पर लेकर घूमेगा और नमक हराम की तरह देखा जाएगा। जिसने राम मंदिर को बनवाया उसी को अयोध्या वासियों ने हरा देने का काम किया है। ये संपूर्ण अयोध्या के लिए, संपूर्ण भारत के हिंदुओं के लिए और संपूर्ण विश्व में पहले हिंदुओं के लिए इससे ज़्यादा दुख की बात कुछ नहीं हो सकती है कि जिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, योगी जी ने जिस अयोध्या में आते थे तो लगता था कि आसपास के किन्हीं सीट के विधायक और सांसद हैं, ऐसा कभी लगा ही नहीं कि वो प्रधानमंत्री हैं, और उसके बाद भी उनको हरा देने का काम किया है। और उनको कैसे हरा दिया, जो 90 के दशक की वो शाम जब लाखों की संख्या में राम भक्तों को, साधु संतों को यहाँ गोलियों से बूंद दिया था और उन्हीं को जिता दिया, ये बहुत दुख है। चीन और पाकिस्तान के एजेंट भी यहाँ लगे थे हराने के लिए, क्योंकि वो देख रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसका जो राजनीति का केंद्र है वो राम मंदिर है। तो चीन और पाकिस्तान के एजेंट यहाँ रात रात घूम करके और वो जो है यहाँ पैसा भी काफ़ी बांटे हैं, तो वो दलितों को और ओबीसी को जो है तो समझाने में और खरीदने में कामयाब रहे। हालांकि हम लोग शर्मिंदा हैं और जो राम भक्तों के ऊपर गोली चलाया उसका प्रत्याशी जीत गया, जिसने राम मंदिर बनाया उसका प्रत्याशी हार गया। देखिए लोगों की अपनी अपनी भावनाएं हैं, लोग अलग अलग बातें कह रहे हैं, भावुक हैं तो कुछ ज्यादा ही कड़ी बातें कह दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ अयोध्या वासियों को कोसने से कुछ नहीं होगा। आपको चीजें समझनी होंगी कि वहां क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अयोध्या में बीजेपी की हार पर साधु संतों का अपना पक्ष है, लेकिन सामान्य लोग भी बहुत दुखी हैं। अयोध्या का एक वर्ग मानता है कि चुनावों में बीजेपी को वोट ना देकर यहां के लोगों से बहुत बड़ी गलती हुई है। इन लोगों को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा है। अयोध्या के सामान्य लोग भी क्या कह रहे हैं जरा सुनिए, फिर हार की वजहों पर बात करता हूं। की बात है कि बहुत शर्म की बात है कि इस अयोध्या की मतलब जो उन्होंने किया, मतलब ये आंसू निकल रहे हैं आंख से कि ये जो हार गए बहुत गलत हुआ। मतलब पूरे अयोध्या का जो है एकदम से ये बेकार हो गया, सब कुछ बहुत ही बुरा हुआ। मतलब इतना शर्मनाक बात है कि जिस अयोध्या के लिए मोदी जी ने इतना कुछ किया, इतना त्याग किया, इतना सब कुछ किया, उसके लिए इन्होंने पूरा एकदम खत्म कर दिया सब।
पूरे अयोध्यावासी किसके बातों में आ गए, क्या किए, कैसे किए, लेकिन बहुत ही बुरा हुआ। ये सोचना ही बहुत बुरा है, मतलब पूरे देश में अयोध्या का एकदम से पूरा अस्तित्व ही खत्म कर दिया इन लोगों ने, जो उन्होंने इतना ऊंचा मतलब विश्व स्तर पर लेकर गए, ये लोग मारे एकदम पूरा इसको गड्ढे में डाल दिए सब। बहुत सारा दुख है, अब इसको शब्दों में हम व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरा एक जोन था। 500 साल बाद राम मंदिर का यहाँ पे पूरा हम लोग देख सकते हैं अपने प्रत्यक्ष आंखों से, उसका जो है योगदान बीजेपी का इसमें बहुत बड़ा है। इन्होंने कुछ नहीं किया, राम मंदिर का चौकट नहीं ढांगा, वो शैतानों ने गोली चलवाया राम भक्तों के ऊपर। ये हिंदुस्तान हिंदू नमक कहिए, जय श्री राम नत कहिए इनको। इससे हम लोग बहुत दुखी हैं, लेकिन अयोध्या वालों ने जो ये काम किया है बीजेपी को हरा करके, ये बहुत ही गलत काम किया है, और बहुत दुख हो रहा है कि अयोध्या का इतना विकास हुआ, मोदी जी ने इतना विकास करवाया, अयोध्या चमक गई पूरे दुनिया में, विश्व में हर जगह देखिए धर्म स्थान है, रोड है, हर जगह मतलब कायाकल्प हो गया है, लेकिन ये जो यहाँ घटना घटी है इससे हम लोग बहुत दुखी हैं। यानी अयोध्या के लोग भी कह रहे हैं कि ये गलत हो गया बॉस। अयोध्या में बीजेपी की हार पर सिर्फ अयोध्या के लोगों में ही मायूसी नहीं है, बल्कि अयोध्या के आसपास दूसरे इलाके जैसे बस्ती और बहराइच में भी लोग बीजेपी की हार से हैरान और दुखी हैं। अयोध्या में बीजेपी की हार पर बस्ती और बहराइच के लोगों ने क्या कहा, यह भी सुनिए, फिर आपको समाजवादी पार्टी का जातीय समीकरण बताऊंगा जिसके चक्कर में हिंदू वोट बट गया। निश्चित तौर पर जो करोड़ों भक्त हैं उनको धक्का लगा है, लेकिन वहां भारतीय जनता पार्टी की हार नहीं होनी चाहिए थी। अयोध्या अयोध्या है, अयोध्या के बारे में तमाम जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं गलत है, और ये बात सत्य है कि रणनीतिक चूक के नाते वहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी, मत नहीं कम हुआ है। दूसरे राज्य से यहाँ अधिकारियों की नियुक्ति हुई अयोध्या में जो हिंदी को नहीं जानते हैं, और उन लोगों ने अयोध्या वासियों की उपेक्षा की, इससे अयोध्या के लोग नाराज थे। अयोध्या की हार हिंदुओं की हार है, और इसका मुख्य कारण मुझे लगता है कुछ गलत बयान नेताओं द्वारा दिया गया, उसके द्वारा अयोध्या में कम सीटें मिली भाजपा को। लोगों ने तोड़फोड़ को ज्यादा प्रायोरिटी दी, ना कि जो उनका विकास हुआ, जो उनको उसके बदले सुविधाएं दी गई उसको ध्यान में रखा गया। अयोध्या में बीजेपी की हार जान लीजिए कि ये हम सभी युवा हिंदुओं की हार है, हम लोग भी बहुत सोच में पड़े हुए हैं कि आखिर ये चुनाव कैसे भारतीय जनता पार्टी हारी है। मंदिर वहाँ पे विराजमान हुई और उसके बाद भी अगर वहाँ पे हिंदुओं ने वोट नहीं दिया तो ये हम लोग के लिए बहुत सोच का विषय है और बहुत निंदनीय विषय है कि वहाँ पे हम लोगों को वोट जरूर भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए था। देखिए ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि जब अयोध्या में बीजेपी की हार हुई, इससे पहले भी कई बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अयोध्या से जीत चुके हैं, लेकिन चूंकि इस बार राम मंदिर बनने के बाद चुनाव हो रहा था तो बीजेपी की हार से हिंदुत्ववादी लोगों को बहुत धक्का लगा। इस बार विपक्ष ने दलित समुदाय से अवधेश कुमार पासी को खड़ा किया, इस जातीय समीकरण के सामने हिंदुत्व का मुद्दा पीछे रह गया। देखिए अयोध्या में अगर आप देखेंगे, जहां पर इस हार के लिए कहा जा रहा है कि हिंदू वोट बट गया जाति के आधार पर, अयोध्या के लिए अगर आप देखेंगे, अयोध्या में जो ओबीसी वोटर है वो सबसे ज्यादा है, ओबीसी वहां पर करीब 22% है, 22%, और इसमें कुर्मी सबसे ज्यादा है। अगर आप दलित देखिएगा तो दलित वहां पर 21% है, इसमें पासी सबसे ज्यादा है जिसके कैंडिडेट खड़े थे, और मुसलमान यहां पर 18% है, मुस्लिम 18%, ये फैजाबाद सीट का आपको बता रहा हूं, और इन तीनों को अगर आप मिला दीजिए तो ये ऑलमोस्ट 60% हो जाता है। यहां पर सवर्ण वोट जो है अपर कास्ट का, वो सवर्ण जो है वो 29% है करीब, 29%। यह भी माना जा रहा है कि अयोध्या में बड़ी संख्या में सवर्ण वोटर चुनाव में वोट डालने ही नहीं निकला। इसके अलावा ओबीसी और दलित वोटर का एक साथ आना और मुस्लिम यादव वोटर के एकमुश्त बंपर वोटिंग से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। बहुत से लोगों के मन में यह सवाल है कि 2014 और 19 के चुनावों में जो ओबीसी, दलित और यादव वोट बड़ी संख्या में बीजेपी को मिला था, वो अचानक 2024 में समाजवादी पार्टी को कैसे मिल गया। इसे भी समझिए, फैजाबाद लोकसभा के अंदर 5 विधानसभाएं आती, 2022 के विधानसभा चुनाव में इन 5 में से 4 सीटें बीजेपी ने जीती थी, जबकि सिर्फ 1 सीट समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद के पास गई थी जो इस बार सांसद का चुनाव जीत गए।
इसके अलावा बीजेपी के लल्लू सिंह 2014 और 2019 में अयोध्या से दो बार सांसद चुने गए। 2014 में बीजेपी को 28% वोट मिला था, जो बढ़कर 2019 में 49% तक चला गया। लेकिन इस बार 2024 में बीजेपी का वोट प्रतिशत गिरकर 44% रह गया, यानी बीजेपी को सीधे 5% वोट का नुकसान हुआ और इसी में बीजेपी हार गई। यानी जातीय समीकरण के सामने राम मंदिर का मुद्दा पीछे रह गया और हिंदू वोट बट गया। 1957 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि जब अयोध्या की जनता ने दलित उम्मीदवार को सांसद के तौर पर चुना है। अयोध्या से बीजेपी को हराने में जातीय समीकरण के अलावा बीजेपी के अपने लोगों की भी बहुत बड़ी भूमिका मानी जा रही है। दरअसल बीजेपी के उम्मीदवार लल्लू सिंह के व्यवहार को लेकर अयोध्या के लोगों के मन में बड़ी नाराजगी थी, जिसे बीजेपी ने नजरअंदाज किया। इसके अलावा चुनाव से ठीक 6 दिन पहले भाजपा का एक नेता सच्चिदानंद पांडे, उन्होंने बीजेपी छोड़ी और बीएसपी ज्वाइन कर ली। इससे बीएसपी का कोर वोटर बिखर गया, इससे बीएसपी के वोट का एक बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी को ट्रांसफर हो गया, क्योंकि अवधेश प्रसाद दलित नेता है। बीजेपी को नुकसान एक और बड़ी वजह से हुआ, लल्लू सिंह का वो बयान भी जिसमें उन्होंने कहा था कि संविधान बदलने के लिए बीजेपी को 400 सीटों की जरूरत है। इस बयान को विपक्ष ने इस तरह अफवाह बनाकर फैलाया कि बीजेपी चुनाव जीतने के बाद आरक्षण खत्म कर सकती है। इस गलतफहमी की वजह से भी दलित और ओबीसी वोट बीजेपी से नाराज होकर समाजवादी पार्टी की तरफ चला गया। यानी जिस जीत को लेकर पीएम मोदी और पूरी बीजेपी कॉन्फिडेंट थे, उसे एक बयान से पैदा हुई गलतफहमी ने हार में बदल दिया। अच्छा, बीजेपी के पूर्व नेता सच्चिदानंद पांडे के जाने से किस तरह बीजेपी को नुकसान हुआ, आप जरा फैजाबाद सीट की स्थिति देखिए कि वहां पर अयोध्या में हुआ क्या। जो फैजाबाद की सीट है, वहां पर जो सपा कैंडिडेट है अवधेश प्रसाद, इनको कितना वोट मिला एसपी कैंडिडेट को, 5,54,289 वोट, 289 वोट, ये इनको मिल गया। लल्लू सिंह जो बीजेपी के कैंडिडेट थे, इनको मिला 4,99,722 वोट। यानी जो अंतर है वो अंतर कितना रहा दोनों के बीच में, 54,567 वोट, ये रहा इतना। अब इसमें एक बड़े कमाल की चीज देखिए, जो बीएसपी के कैंडिडेट थे सच्चिदानंद पांडे, ये बीजेपी छोड़कर गए थे बीएसपी में बस कुछ दिन पहले और बीएसपी ने इनको टिकट दिया, इनको कितना वोट मिला, 46,407 वोट। और अगर आप नोटा के वोट भी इसमें जोड़ दें, जिसमें लोगों ने जाके दबाया कि हमको कोई पसंद नहीं है, नन ऑफ द अबव, इसको वोट मिला 7,536। यानी अगर इन दोनों को जो बीजेपी छोड़कर बीएसपी में कैंडिडेट गए और नोटा को जोड़ दीजिए, तो ये बैठता है 53,943 वोट। और बीजेपी कितने वोट से हारी, मात्र 54,567 वोट, और 53,943 वोट तो यही है नोटा और बीजेपी छोड़कर बीएसपी में जाने वाले कैंडिडेट का। अब चूंकि बीजेपी का कैंडिडेट बीएसपी में गया, तो बीएसपी के कुछ लोग नाराज हुए, उनका वोट सपा को गया। यानी बीजेपी जीत जाती, लेकिन ना लल्लू सिंह को हटाए ये लोग और ना वहां पर बीएसपी में जाने वाले बीजेपी के नेता को रोक पाए। यानी बहुत बड़ी हार की वजह बीजेपी की भी अपनी रणनीति है। चुनाव में जीत के बाद समाजवादी पार्टी नया नैरेटिव सेट करने में जुट गई है कि अयोध्या में विकास के बहाने लोगों के घर तोड़ दिए गए और मुआवजा भी नहीं दिया गया। समाजवादी पार्टी के इन आरोपों की सच्चाई का पता लगाने के लिए हमारी टीम अयोध्या पहुंची। ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए मुआवजे और घर तोड़ने के आरोपों पर अयोध्या के लोग क्या कह रहे हैं। 10-10 फीट सबका मकान का हिस्सा गया, उसका मुआवजा न देना बीजेपी की हार का कारण बना अयोध्या में। आपको भी ऐसा लगता है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, सबको मुआवजा प्रॉपर मुआवजा मिला है। आपको भी मिला था ना? जी, मुझे 1,00,000 रुपए मिला था। अच्छा जी, तो वो क्या कसर कमी थी इसकी वजह से, कुछ नाराजगी मन में या फिर? नहीं, कसर नाराजगी इस तरह कुछ नहीं था, बीजेपी का हारने कारण ये तो मुआवजा या पब्लिक का गुस्सा नहीं था, और कोई कारण हो सकता है। जितना ही मुआवजा था मतलब संतुष्ट था। अगर मुआवजा कारण होता तो लोग आंदोलन न करते, लोग विरोध न करते, सिर्फ चुनाव का इंतजार क्यों करते हैं? मुआवजा भी मिला है, रोड चौड़ी हुई, एयरपोर्ट बना, मंदिर बना, रेलवे बना, सबको मुआवजा अच्छा खासा मिला है, अच्छा खासा यहाँ पर रोजगार बहुत बढ़िया बढ़ा है। केवल ये कहना अखिलेश यादव जी का कि मुआवजा नहीं दिया गया, ये गलत है, इससे कोई भी नाराज नहीं है। यानी अयोध्या के लोग ही कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुआवजा नहीं मिला इसलिए बीजेपी अयोध्या में या फैजाबाद में हार गई। हो सकता है कुछ लोगों को न मिला हो, कुछ की अपनी नाराजगी रही हो, लेकिन ये इतनी बड़ी वजह नहीं थी कि बीजेपी वहां पर हार जाए। बहुत सारी वजह थी जिनके बारे में हमने आपको बताया, और उसके बारे में
बीजेपी को भी सोचना चाहिए। एक छोटा सा